अस्सलामु अलैकुम, कैसे हो दोस्त? ठीक हो? सब खैरियत से हो? हाउ टू मेक स्कूल फीस कार्ड इन एमएस वर्ल्ड, स्कूल फीस कार्ड माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2016 एमएस वर्ल्ड ट्यूटोरियल। हेलो एवरीवन, वेलकम टू सब्सक्राइब माय चैनल जवेद वजीर टेक। यूएस ट्यूटोरियल प्रोवाइड यू द कंप्यूटर्स एजुकेशन इन operating different software like MS Word, Excel, PowerPoint, MS Paint, CorelDRAW, Photoshop. Channel subscribe please, and so then you can learn this course from home at. आज मैं Microsoft Office 2016 के अंदर फीस कार्ड क्रिएट कर रहा हूँ, और इंशाल्लाह इस वीडियो को फुल वॉच कर ले। अगर अभी तक किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, और चलते स्क्रीन की तरफ। सबसे पहले हम सेटिंग करते हैं पेज की, यहाँ पर हम लेआउट पे क्लिक करते हैं, यहाँ से पोर्ट्रेट साइज़ हम यहाँ से A4 पे क्लिक करते हैं, पेज की सेटिंग करते हैं यहाँ से। इंसर्ट क्लिक करते हैं, शेप हमने ये ड्रा किया है, यहाँ से हम यहाँ पे इसकी साइज देते हैं, ठीक है, फोर विड्थ और हाइट 4-6। या सम आउटलाइन, जो आउटलाइन आपको अच्छा लगे वो दे सकते हैं। हम यहाँ से ये आउटलाइन देते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं जवेद, कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर्स। फीस कार्ड यहाँ पे हम लाइन ड्रा करेंगे, शिफ्ट माइनस प्रेस कर लेंगे, लाइन हमारा लाइन ड्रा करेंगे यहाँ तक, शिफ्ट माइनस से यहाँ पे भी इंटर कर लेंगे। यहाँ पे नेम लिखेंगे, ठीक है, शिफ्ट माइनस के साथ लाइन ऐसे हम ड्रा करेंगे, ठीक है। बैक स्पेस ओपन या फिर इंटर, कोर्स
लाइन ड्रा करेंगे। इन और दो लाइन ड्रा करेंगे शिफ्ट माइनस के साथ, कीबोर्ड से शिफ्ट माइनस प्रेस करेंगे हम, ठीक है। इसे लाइन ड्रा कर लेंगे, यह भी क्लास टाइम, यह पे लाइन ड्रा कर लेंगे। टैब प्रेस कर लेंगे, एक थोड़ा लाइन ड्रा कर लेंगे यहाँ पे, एक इसको सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ से होम पे, साइज इसकी यहाँ से हम साइज देंगे 28, यहाँ से हम साइज देंगे 28 या 32, कितना भी हम साइज दे सकते हैं यहाँ से। यहाँ से हम स्टाइल भी दे सकते हैं, जो स्टाइल आपको अच्छा लगे वो आप दे सकते हैं। ये जो स्टाइल अच्छा, ये स्टाइल अच्छा लग रहा है मैंने, ये यहाँ पे बोल्ड कंट्रोल भी कर सकते हैं कीबोर्ड से। यहाँ से हम स्टाइल और देखते हैं, ये इस वाला सही है। यहाँ से हम कलर्स देखते हैं, जो कलर हमें अच्छा लगे यहाँ से हम जैसे बैकग्राउंड कलर्स येलो, सेंटर यहाँ पे सेंटर का शॉर्टकट कंट्रोल ई भी हम कर सकते हैं सेंटर पे, ठीक है। यहाँ से हम साइज सेंटर इसको यहाँ से बोल्ड करते हैं, इसकी साइज थोड़ा ज़्यादा करते हैं यहाँ से कीबोर्ड से, कीबोर्ड से हम कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन के साथ साइज हम कर सकते हैं। यहाँ से हम फिस कार्ड को कलर देते हैं ग्रीन येलो, जो कलर आपको अच्छा लगे आप दे सकते हैं। यहाँ से बैकग्राउंड कलर्स हम येलो करते हैं, या साइज थोड़ा कर लेंगे, ठीक है। जैसे स्टाइल स्टाइल देखते हैं कौन सा स्टाइल अच्छा लग रहा है वो हम यहाँ से दे सकते हैं, ठीक है। इसको यहाँ से सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे सेंटेंस केस देते हैं कैपिटल केस में कन्वर्ट करते हैं। सेंटेंस केस के शॉर्टकट एक शिफ्ट F3 से हम दे सकते हैं, ठीक है। शिफ्ट F3 कीबोर्ड से प्रेस कर सकते हैं। यहाँ से हम इसकी लाइन की सेटिंग करते हैं, यहाँ पे लाइन स्पेसिंग देते हैं, लाइन स्पेसिंग कीबोर्ड से कंट्रोल 1 कंट्रोल 2 कंट्रोल 5 इसकी शॉर्टकट ये है लाइन स्पेसिंग की।
ऐसे बैकग्राउंड कलर्स हमें ये वाला जो हमें अच्छा लगे वो हम यहाँ से दे सकते हैं। यहाँ पे हमें कलर्स इसे हम बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं कार्ड में, ये कलर्स अच्छा लगा। हम इसको कॉपी भी कर सकते हैं, कीबोर्ड से हम डायरेक्ट कंट्रोल डी भी कर सकते हैं और कंट्रोल सी भी, ये भी कर सकते हैं कॉपी। ठीक है, यहाँ से राइट क्लिक कर सकते हैं, होम पे जाकर यहाँ से डायरेक्ट पेस्ट भी कर सकते हैं, कंट्रोल सी वी भी कर सकते हैं और कंट्रोल डी डायरेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हमने इसकी कॉपी बनाया, देखिए ऐसे हम आउटलाइन भी दे सकते हैं। ठीक है, बॉर्डर्स ये वाले जो हमें अच्छे लगे हम दे सकते हैं। ठीक है, आउटलाइन को कलर भी यहाँ से हम दे सकते हैं। ठीक है, जैसे हम बैकग्राउंड पेज कलर भी दे सकते हैं। ठीक है, देखो कस्टम में जाकर यहाँ से भी पेज कलर हम दे सकते हैं। ठीक है, ये पेज कलर यहाँ पे हम बैकग्राउंड कलर चेंज करते हैं, होम पे क्लिक करते हैं, यहाँ से हम बैकग्राउंड कलर येलो देते हैं। ठीक है, येलो कलर ठीक है, ये हमारा ऑफिस कार्ड कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं एडोब फोटोशॉप और कोरल ड्रा इनके बारे में भी मैं वीडियो अपलोड कर दूँगा।